रक्षाबंधन का त्योहार उस समय मातम में बदल गया जब सरलागढ़ निवासी एक युवक की रसूलपुर चौक पर छाती में गोली मारकर हत्या कर दी। कैंप थाना पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि कैंप थाना प्रभारी राजेश कुमार के मुताबिक सरलागढ़ निवासी सुनील ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि उसका भाई सुरेंद्र 19 अगस्त की रात को किशोर, प्रदीप और लोकेश निवासी सरलागढ़ के साथ रसूलपुर चौक पर गया था। करीब रात बजे उसकी बहन रेनू के पास सुरेंद्र के फोन से किशोर ने फोन किया और बताया कि रसूलपुर चौक पर लोकेश ने सुरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। जब वह रसूलपुर चौक पहुंचे तो पता चला कि सुरेंद्र को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद वह सरकारी अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने वहां बताया कि सुरेंद्र की छाती में गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? पप्पू। पप्पू भाई कहाँ रहते हो? जो वारदात हुई है कौन है वो आपके? लड़का आज हमारा। क्या नाम है लड़के का? सुरेंद्र। कितने उम्र है? 25 साल। तो वारदात कहाँ हुई है और किस टाइम की घटना है? ये 8:30 बजे की बात हुई है। हम घर पर ही है, मैं तो हो गया लड़का के पास में का, जब पता लग गया मैं तो जब आया। तो कहाँ का मामला है ये? रसूलपुर चौक का। तो क्या था, क्या कारण था जो हत्या हुई है? कितने लोग थे हत्या में शामिल? 3-4 आदमी। शिकायत दे दी है पुलिस? फोन करके ने जी। अच्छा, लड़के को बुलाया है जी? कैसे हत्या की, किस चीज से, क्या हथियार था? पत्ता कट्टा होगा जो यहाँ लगी है गोलियां का। कहाँ लगी है गोली? यहाँ लगी जी। तो जो शिकायत आपने पुलिस को दी है, क्या कार्रवाई पुलिस इस पर कर रही है? अभी पता पड़ेगा क्या करेगी।